व्यू देख लो तुम, यहाँ से व्यू भी कितना प्यारा है। जाप लग गयो। अभी तुम्हें हम कुछ इस तरह की जगह पहुंच चुके हैं, इसे देख लो, पानी गिर रहा है अभी और पूरी जम। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो फिलहाल ये थर्ड फोर्ट है हमारे मनाली का, तो तुम्हें मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ इस टाइम कैसा व्यू है, और बाइक्स भी दिखाऊंगा आज, बाइक्स की क्या हाल हुए। मोटी बर्फ गिरी हुई है बाहर भाई, बिल्कुल ही वाइट हो रखा है बाहर का सीन। वो इस तरह का व्यू है बाहर भाई, हर कुछ गलत ही सीन है। और यहाँ ऊपर हमारी बाइक लगी है, यहाँ पे देख लो कितने बर्फ पड़ी हुई है यार बाबा, हर कुछ सही सीन है। हाय अभी हम देखते हैं अंजनी महादेव का प्लान किया है, पहुँचते हैं कि नहीं, क्या सीन रहता है, तो चलो चलता हूँ मैं अंदर। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दिन के 12 और हम मैं सोलंग वैली में, तुम्हें व्यू दिखाता हूँ। मोटी बर्फ ही बर्फ है बाबा, गलत ही सीन है। और ये पार्ट 3 है, अभी हम अंजनी महादेव जा रहे हैं, मोटा ही सही सीन। ओ भाई तुम्हें सीन दिखाता हूँ, जाप लग गयो। अभी तुम्हें हम अपनी बाइक्स भी दिखाने वाले हैं, क्या हाल है। और इधर देखो भाई, मोटी बर्फ वाला, खतरनाक वाली बर्फ, नेक्स्ट लेवल। बाइक के पास हम पहुंच चुके हैं और बाइक दिखाते हैं तुम्हें, फ्लेम पिकाचू लग रहा है कहीं से, कुछ लग रहा है कि बाइक से यहाँ तगड़े ही सीन है। इसके ऊपर मैं अभी अपना यूट्यूब की आईडी लिखवा, Neil.000002। ओ फक मैन, देख लो कितना पैर नीचे जा रहा है। रुक करा कुछ नहीं, स्नोफॉल थोड़ी होगा, आके ही करेंगे, स्नोफॉल नहीं होगा, मैं मान रहा हूं, पर भी अगर इजी में तो आजा पिक लेगी और हट दो। तो इस तरह का सीन है, बाइक हमारी पूरी ढकी हुई, जिस तरह का व्यू है। अभी हम अंजनी महादेव जाने का प्लान कर रहे हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है, तो निकलते हैं ना। हमारा ये नेक्स्ट डे है सोलंग में, और यहाँ देख लो व्यू, देखो तो चेक द व्यू, हर कुछ व्यू। और देखो बस ये है उसकी बाइक है, इनको चलाने का तो बहुत मजा आएगा, और बहुत पैसे लेते हैं, और हम गरीब लोग हैं। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, हमारे पास पैसा कैसे आएगा। तो देख लो व्यू, इन्जॉय करो, फिलहाल तो मोटा सही है हर कुछ। और यहाँ पे फुल फोटो शूट चल पड़ा है, मैं फोकस बनाया कर रहा था, देख सकती हूँ। हम जा रहे हैं अभी अंजनी महादेव, और देख लो ये ऐसे नाली, ये देखो भाई 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 चल ला रहा, देखो वही वीडियो रिकॉर्ड कर ले क्या सटीक। मट्टी बकचोद, तो ये हम फुल पावर निकल रहे हैं, रोड भी जाता है, बट हम पैदल पैदल जा रहे हैं, हमारी बाइक हमारी बाइक्स नहीं चढ़ेगी। मोटा सीन है, वहाँ पर देख सकते हो सोलंग विलेज है, वहाँ पे थोड़ा बहुत विजुअल है। अरे हम फुल पावर चले हुए हैं, मोटी बर्फ है देखो बहन की। हाँ ये देख लो कुछ इस तरह का माहौल है इधर, मोटा सही। अबे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चल रहे थे पर देखो यहाँ पर आए और टूरिस्ट वगैरह, यहाँ फुल पावर खेल रहे हैं बर्फ के साथ, मोटा सही सीन है। और ये दो डॉगीज हमारे साथ भी नीचे से आ गए और हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तगड़ा ही माहौल है। सो फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल भी रास्ता, एक तरह एकदम ब्लर आता है उसका, हाँ फोकस हो गया, बिल्कुल भी रास्ता नहीं, देखो रास्ता बना रहे हैं। अब बोर भी क्यों जा रहे हैं आगे आगे, और जो दो डॉगी हमें मिले थे भी हमारे साथ, देख लो अंजनी महादेव पहुँचने बाबा, मोटा सही सीन हो गया। और निकलना भी आज, मतलब आज स्नोफॉल नहीं होना चाहिए, उससे पहले पहले निकलेंगे हम फुल पावर, फिर स्टे का आज का देखते हैं कहाँ पे क्या सीन बनता है। मेरा दोस्त बुला रहा था मेरे को मनीकरण, पर मैं मुश्किल ही जा पाऊँगा अरुण के पास, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। फुल पावर चले बाबे। और गाइस अभी जा रहे हैं ऊपर को, तो चेक करो गाइस, चेक करो, रुक आओ करो। हम कुछ इस तरह की जगह पहुँच चुके हैं, ये लब्बू और कुत्ते भी आ रहे हैं, डॉगी थुब्बू चला चला, मोटा सही सीन है। ब्राइटनेस करता हूँ थोड़ी, आप वो देख लो सूरज बाबा, खुला मैदान है इधर, मोटा ही बह जाएगा मजा ही। बस एक आधी 4x4 कने चेन कने दे दे भाई ले। और हम आज फर्स्ट टाइम, मतलब अंजनी महादेव जाने वाले इस सीजन के, कोई भी नहीं गए अभी तक, और माहौल कुछ इतना है,
अरे हमारी डॉगी, क्या हुआ? ए, 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 गंदा आदमी, क्या कर रहा है तू? हैं? चल आगे आगे चल। ए पागल हो गए लड़के, ये देखो घमा घम हो रही है, डसा डस हो रही है। और तो, क्या इसी ने बता रहे हो, कुत्ते हमारे मोटे सही है। वो देखो वो मैं भी पूरा मजा ले रहे हैं अभी लब्बू की तरह। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से, देख लो। अभी रेस्ट कर रहे थे हम यहाँ पर, और अभी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और मेरे को पसीने निकल चुके हैं, हमारे पसीने निकल चुके हैं फुल पावर वाला। गलत सीन, वहाँ देख लो सूरज, और ये देख लो मोटा सा सीन। फाइनली हम महादेव की नगरी पहुँच चुके हैं। एक मिनट, उधर है हमारे, उधर है हमारे महादेव, वहाँ ऊपर मैं दिखा रहे थे ये मंदिर है। फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके, और हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। खराब तो क्या, -6 डिग्री में पसीने निकल रहे हैं हमारे, सोच ही लो। मतलब बर्फ की वजह से बहुत थक गया मोटा गलत सीन। मैं मंदिर है, यहाँ ऊपर मंदिर है, हम नीचे बैठे हैं। वो महादेव जी की शिवलिंग जिसके ऊपर पानी गिरता है ऊपर से, वो तो बर्फ से पूरी ढकी हुई है। वहाँ जाएंगे तो मैं वो चीज़ दिखा दूँगा। मैं और बिक्की भाई आए यहाँ पर, अब्बू और लब्बू दोनों नीचे रुक गए वहाँ मंदिर में आग सेकने। बस हर हर महादेव, देखो ऊपर से पानी चला ही है बाबा। तो मैं ऊपर दिखा के, ऊपर जाके दिखाता हूँ मोटा सीन है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, वहाँ से भी पानी आ रहा है। मैं और बिकी भाई और हमारे साथ एक डॉगी, एक डॉगी, एक दो तीन कुत्ते नीचे रुक गए हैं। लब्बू और अब्बू कुत्ता भी नीचे है, और तीसरा कुत्ता भी नीचे है। हाँ, बर्फ देखो कि नहीं डूब रहे हैं। वो फक गिर गया। मैं और बिक्की भाई पहुंच चुके हैं, और ये महादेव जी की यहाँ शिवलिंग है, पिंडी है। मतलब अभी तो ऐसा सीन है कि ऊपर से पानी गिर, ऐसे देख लो पानी गिर रहा है अभी, और ये पूरी जम चुकी है। मतलब गर्मियों के टाइम तो ये बिल्कुल दिखाई देती है बहुत अच्छे से। मैं फोटो देखूंगा, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। और देखो ऊपर से पानी आ रहा है, ये देखो हर हर महादेव। और नीचे मंदिर है हमारे दोस्त वहाँ पे नीचे, और देखो इतना प्यारा व्यू है इधर, हर कुछ सही व्यू देख लो तुम। फिर यहाँ से व्यू भी कितना प्यारा है, देखो हर कुछ। महादेव की नगरी, एक और जगह हम आ गए हैं। लास्ट टाइम मैं गया था त्रिलोकीनाथ, और अभी अंजनी महादेव। देखो पूरा ऊपर से प्यारा लग रहा है यार, हर कुछ। जय हो शिव शंकर। फ्रेंड्स कुछ इस तरह का व्यू है, देख लो, देखो बर्फ कैसे जमी है। वो देखो ऊपर कहाँ गई, वो देखो वहाँ पे दिख रहा है बर्फ मोटी सही तरीके से जमी है। और महादेव जी की नगरी, और अब्बू भी आ रहा था नीचे से कहीं से, तो उसका वेट कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। ये अब्बू भी आ चुका है, लब्बू नहीं आया, बस पता नहीं वो क्या कर रहा है, भी आ गया है। मोटी बर्फ थी, देख लो इस रास्ते से। मतलब यहाँ कई 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 जगह तो ऐसे इतना 3-4 फुट बर्फ पड़ी हुई है। मतलब बड़ी मुश्किल से उतर रहे यार, चढ़े थे गिर, मतलब चढ़ती बार तो गिरा हूँ मैं, वीडियो क्लिप मिल जाएगी। मतलब ऐसे ही पता नहीं लगा, बट गिरा हूँ यार, हाथ सुन्न हो गए थे। मोटा ही गलत सीन, और व्यू चेक मारो। जा रहे हैं अब यहाँ से हम फुल पावर, सब चलते हैं, और हमारा डॉगी भी चल रहा है, उसके साथ मैंने फोटो खींचा है, वो तो मैं इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा बढ़िया मस्त तरीके से। और देखो रास्ता चेक मारो, इस रास्ते से हम आया है, और अभी टेम्परेचर पता नहीं -7-8 डिग्री है लिटरली। और हम चले हुए हैं फुल पावर, अपने ब्लॉग चले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, मिलता हूँ तुम्हारे साथ नीचे, अब थोड़ा रास्ते पे फोकस कर लेते हैं। को भाई गिरा, भाई गिरा, बिक्की भाई गिरे, हमारा गलत सीन है। देखते हैं क्या सीन रहता है। व्यू फक हो गया, हाथ सुन, देखो चेक मारो। सो वहां बैठे हैं हमारे महादेव, और हम फुल पावर अब महादेव के पास मत्था टेक के आ गया हूँ मैं। मतलब कितना अभी आग से हम नीचे जाके निकल जाएंगे, अभी देखते हैं कैसे नहीं रहते। और देन अभी देखो बिजली महादेव जाया, वो शिवपुरी थी जगह, वहाँ जो केव थी, मेरा लास्ट एक ब्लॉग रहा है वो भी मोटा सही था। और अभी यहाँ आगे महादेव की नगरी, अब नेक्स्ट पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है बाय बाय, अब ट्रेवल सीरीज तो आती रहेगी अब हल्की फुल्की। चलो निकलते हैं फुल पावर, बर्फ देखो बर्फ।
देखो लंबी पूंछ वाला बंदर, लंबी पूंछ हमारा मतलब था लंगूर। अभी -6 डिग्री टेम्परेचर है, मत्था टेक के आ गया और लोग भी यहाँ आ रहे हैं मत्था टेकने के लिए। आए हैं जिस रास्ते, जो हमने रास्ता बनाया शायद उसी से आए हैं। वहाँ पर महादेव जी हैं, वहाँ ठीक है, वहाँ जा रहे हैं। मोटे से ही था वहाँ जिस टाइम हम गए थे, पानी भी था, दिख नहीं रहा है। और गाइस मुझे सुनाई दे रहने भी है क्या, तो देख लो गाइस कुछ और लोग भी आ रहे हैं। हम तो मतलब अभी फुल पावर निकलने वाले, मत्था वगैरह टेक लिए हैं, अभी इसका फोटो ले लेते हैं ऊपर, तो ये गए नहीं गरीब। चलो सो फ्रेंड्स, यहाँ स्नो चेक करो, इस वाली बर्फ पे हमने रास्ता बनाया, हम ऊपर वाली साइड गए, हम सबसे फर्स्ट गए। मतलब इस साल का जो भी था ना सीन, वो बंदे हमारे बाद आए हैं सारे। स्नोफॉल रात को तगड़ी हुई है सोलंग वैली में, खतरनाक वाली। और अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितनी गहरी बर्फ है, ये देखो, ये देखो, इससे भी नीचे अभी मतलब मोटा ही सीन है। और तुम व्यू चेक करो, मेरे को तो यहाँ का व्यू है ना मोटा पसंद आया, बट कोई सीन है, मेरे को ठंड लग रही है। हम ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते ज़्यादा, तो देखते हैं अभी अपने फुल पावर आ रहा है। मेरे को तो वो दिक्कत हो गया कि यार उन्होंने मेरे को कॉल करी थी कि मणिकर्ण आ जा, कल मणिकर्ण में मिला है, मेरा दोस्त है मणिकर्ण का, मेरे साथ होता है बीएड में, तो सीन ऐसा हो गया मेरे को घर जाना पड़ेगा। मेरे घर से पापा वगैरह की कॉल आ रही थी, पापा की मेरे को कॉल आ गई है, और पापा मेरे साथ नाराज हो गए, बिकॉज मैंने बोला था उनको पिछले कल मैं घर आ रहा हूँ, और सडनली हमारा एकदम रात को प्लान बना और हम 3 बजे निकल गए। पर वो कोई दिक्कत नहीं, पापा के साथ बात हो गई है, मम्मा सबके साथ है, सब भाई वगैरह दीदी, तो मैं भी फुल पावर निकलेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट मंडी से मतलब अपनी बाइक उठाऊंगा, और मतलब बाइक तो हमारी यहीं पे है, मैं बाइक उठाऊंगा और सीधा मंडी में हम थोड़ा बहुत ही करेंगे, सब कुछ सामान वगैरह रूम पर निकल जाएंगे हम। फ्रेंड्स अभी देख लो बंदे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, अंजनी महादेव से आ रहे थे, और मोटा ऐसे ही सीन हो चुका है अभी, सब मोटा खोचा डाल रहे हैं हम तीनों ने। मतलब अब्बू का तो अभी हमने चैनल क्रिएट कर दिया, बस अब्बू का फुल सपोर्ट चलेगा हम तीनों का। मतलब जो हिमाचली भाई लोग, इसका नाम होगा इसके चैनल का, और इस उसमें आने वाला हमारा मतलब हम गालियों गुले जो भी है अपना फुल ओपन वाला सीन। अरे माई जो वाह, चलो ठीक है फिर। हमने फुल पावर मजे कर लिए, तुम्हें बर्फ की कंडीशन बताऊंगा। और देख लो अब्बू लब्बू और यहाँ पे अपने बिक्की भाई हमारे साथ हैं, मतलब मोटे मजे कर रहे हैं। अभी तुम्हें व्यू दिखाता हूँ, मोटा सा व्यू है, ये देख लो बर्फ की हालत हमने यहाँ पे क्या कर लिया है तीनों ने। और व्यू चेक मारो अब्बा, मेरे को ये वाली चीज़ ना बहुत पसंद आ गई, व्यू आ रहा, बादल है, आसमान भी दिख रहा है, पहाड़ पहाड़ के ऊपर बर्फ, हर कुछ वाला व्यू है, मतलब मोटा सही। तो अब निकलते हैं यहाँ से फुल पावर, इसका तो मैं एक फोटो लूँगा। अभी अंजनी महादेव से नीचे आ गए हैं, जिप्सी फंस चुकी है, आ रहा आम आ चुके, मेरे को तो दुख हो रहा है, बंदे ने जिप्सी फंसा दी है, मोटा दुख हो रहा है। निकल जाएगी जिप्सी, निकल जाएगी, पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बंदा ढंग से निकालेगा तो निकल जाएगी फुल पावर। फोर वाई फोर फ्रेंड्स, अभी हम रूपे का जो कैफे है उस पर बैठे हुए हैं, बिक्के भाई यहीं पे होते हैं, तो अब्बू और लब्बू मेरे साथ हैं, बिक्के भाई अभी अपने 4x4 की चाबी लाने गए, उसके अंदर हमारा सामान पड़ा हुआ है, बस अभी फुल पावर मैन को यहाँ से निकल जाते हैं, देखें कैसे जाते हैं।